सर। हाँ चलिए। हाँ किसानों की स्थिति ये हो गई है सर कि खाद महंगा है, डीजल महंगा है, मजदूरी महंगी है, बिजली महंगी है और आपका डीजल महंगा है, सब अच्छा, चीज महंगी। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा इस बात को काटता हूँ। आपने कहा ढेर सारी चीजें महंगी हैं और लेबर कंपोनेंट को भी अपन जोड़ दें, कई बार अपन लेबर कंपोनेंट को नहीं, लेबर कंपोनेंट को अपन परिवार कर लेबर को छोड़ देते हैं कई बार, है ना जी सर। और दूसरा जो है जो रिसोर्सेस का हमारा कमांड है, जैसे मान लो ट्रैक्टर है, ये है वो है, उनकी कॉस्टली उसको भी अपन कई बार नहीं जोड़ पाते हैं। नहीं जोड़ना ही पड़ेगा सर, उसकी रिपेयर है, फिर जो इसमें सिंचाई की मोटरें हैं वो भी उनका रिपेयर है, फिर उनको बदलना है, दूसरी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर। यदि मैं शर्मा जी आपसे कहूं कि एक कॉस्टिंग यदि आपको करने का कहा जाए तो आप एक कॉस्टिंग इसकी कर पाएंगे क्या? आपका तो खुद कर सकते। हम उसमें ये जानना चाहते हैं कि कितने में वो माल बेच पा रहा है और कितना उसे खर्च करना पड़ रहा है। माल तो जब बेचेगा ना, जब पैदा होगा सर, पहले तो अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि यदि पैदा भी नहीं हुआ और खर्च भी हो गया तो फिर तो उसे सुसाइड ही करना है। तो एक बार का जो घाटा होता है वो 3 साल तक एडवर्स इफेक्ट डालता है एग्रीकल्चर पे। ओके ओके, तो आपको खुश होना चाहिए ना। हमारे मॉडल में जो हम कह रहे हैं कि हम कॉस्ट फ्री आपको 1 MSP देंगे, मतलब कॉस्ट को हम एक दूसरे अकाउंट में डालेंगे जिसको हमने कॉस्ट सेटिंग अकाउंट कहा है। क्या है सर इसमें, मैं आपको बताऊं कि डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी की लैंड है, कुछ हल्की कॉस्ट हल्की मिट्टी है, कुछ उपजाऊ है, कुछ इरिगेटेड है, कुछ नॉन है। देखिए वो हल्की मिट्टी इसलिए है क्योंकि एक दूसरी थ्योरी कहती है कि मिट्टी तो ऊपर पैदा की जा सकती है, राइट। जो एक और थ्योरी जो है कि खेती के बारे में कि आप पत्ते वत्ते उसको डाल के यू कैन क्रिएट ए लेयर ऑफ। पत्ते कहाँ है, किसके पास पत्ते हैं? आप गांव में जाके तो देख लो। पहले ये थी, ये आपकी ग्रेजिंग लैंड थी 10%, ग्रेजिंग लैंड खत्म हो गई पूरी, लेकिन विजय सिंह ने सबको पट्टे बांट दिए। आज की डेट में 1 इंच ग्रेजिंग लैंड किसी गांव के अंदर नहीं है। ओके, तो हमारे मॉडल में तो ग्रेजिंग लैंड की जरूरत ही नहीं है। नहीं, अब ग्रेजिंग लैंड नहीं है आपके पास, तो अब जंगल नहीं है, जंगल नहीं है, पत्ते कहां से पैदा कर देंगे ना? नहीं, कहां करेंगे सर, उतने लोग जितनी एक परिवार पे। अभी आप टोटल कल्टीवेटिंग लैंड डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन करिए, 1 बीघा जमीन नहीं आ रही हिंदुस्तान में। ये बात हम जो है शर्मा जी, आप चूंकि खेती के बहुत विशेषज्ञ हैं और इतने लंबे समय पे आपने उसमें रही रहे सर, हम लोग तो खेती वाले परिवार में ही पैदा हुए हैं। नहीं शर्मा जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ जी सर। मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ अपने मॉडल के बारे में। कर सकते हैं सर, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, और आप जो है ना उसमें जितने भी ऐसे पहलू है, आपको जो है ना पहले जो है जो जहाँ पे अपने पैर में बीमारी फटी हुई है उसको अपन को समझना होगा, राइट जी सर। और फिर इस मॉडल को, जो मॉडल मैंने इवॉल्व किया है, ये तो मास्टर स्ट्रोक है जी, क्योंकि सर। ये जो है इसने 2 बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, राइट जी सर। एक तो जो है इसने करेंसी के ऊपर विजय पा ली है जी सर, क्योंकि करेंसी कौन लाया है, हम और आप लाए हैं जी सर। पहले यदि आप देखें तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, हम आपस में जो भी पैदा होता था उसी का कुछ शेयर बांट बूट के अपना काम चला लेते थे, राइट। दरवाजे लो करेंसी, फिर धीरे से जो है ना कुछ राजाओं ने करेंसी इंस्टीट्यूट की और ये हुआ। मोहम्मद तुगलक को पागल शासक क्यों कहा जाते याद होगा आपको, उसने भी एक करेंसी जो है ना इंट्रोड्यूस की थी, राइट। तो करेंसी जो है या सिस्टम ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, ये इम्पोज सिस्टम है, राइट right? और जो भी इम्पोज सिस्टम होता है उसकी अपनी वीकनेसेस भी होती हैं और अपनी सीमाएं भी होती हैं, राइट जी सर। तो क्राइम फ्री भारत में आज बड़ा सिस्टम चल रहा है, हर कोई अपना वॉलेट लाता है, राइट जी सर। तो क्राइम फ्री भारत का वॉलेट जो है उसको इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि वो करेंसी को काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब अर्थ युग में अर्थ चाहिए होगा, बैक एंड इंजन पे तो अर्थ ही काम करेगा,
लेकिन फ्रंट एंड इंजन जैसे ही उसका इकोसिस्टम बढ़ता जाएगा, करेंसी उतने सिस्टम के लिए ज्यादा मायने नहीं रखेगी, राइट जी सर। हालांकि ट्रांजेक्शन होंगे, सब कुछ होगा, इंसेंटिव मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, सब होगा, लेकिन वो सीएफबी वॉलेट पॉइंट्स पे ही चलेगा, ठीक है ना जी सर। तो आपको जो है पैसे की, आपको नहीं बल्कि सिस्टम को, राइट सर, क्योंकि सिस्टम तो आपसे बात नहीं कर रहा है, सिस्टम तो सीधे जो है ना बैंक से बात करेगा, राइट। तो सिस्टम को जब वो इकोसिस्टम के बाहर कम वो करेगा, इंटरेक्ट करेगा, ट्रांजेक्शन करेगा, तो उसे करेंसी की जरूरत होगी, राइट। जब वो अपने इकोसिस्टम में काम कर रहा है तो वो चाहे जिसको जितना बांटे, उसे करेंसी की जरूरत नहीं है, राइट जी सर, राइट। नंबर आप जो है पूरी तरह से जो है डबल जो है ना प्रोडक्शन पे केंद्रित है, राइट। तो चाहे जो है आप औषधि के पेड़ लगा रहे हो, चाहे आप फलों के पेड़ लगा रहे हो, चाहे आप जो है ना सुगंधी वाले एरोमेटिक पेड़ लगा रहे हो, और चाहे आप जो है गायों के लिए, इनके लिए आप फॉडर वाले पेड़ लगा रहे हो। ये नया कॉन्सेप्ट कह रहा है कि हम फॉडर जो है जमीन पे पैदा नहीं करेंगे, पेड़ों में पैदा करेंगे, राइट। और कुछ पेड़ इतने ज्यादा हैं कि मुनिंगा के अकेले के बारे में कहा जाता है कि वो जो है देश की न्यूट्रिशन नीड को पूरा कर सकता है, अकेला मुनिंगा का पेड़, राइट। तो वो मुनिंगा का पेड़ जो है अकेले जो है ना इंसानों के लिए क्यों ना हो, वो जो है ना हमारे एनिमल्स के लिए क्यों ना जाए, राइट। और हर खेत में जो है ये चार तरीके के तो पेड़ होंगे ही, और इन पेड़ों की जो जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस को कट करके कोशिश की जाएगी कि जितना ऊपर चला जाए उतना चला जाए वो, राइट। जो यदि पेड़ ऊपर जाएगा तो उसको संभालने के लिए जड़ें नीचे जाएंगी, जो जड़ें नीचे जाएंगी उनका जो है ना, हम चाहते कि जड़ें जितनी नीचे चली जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जो है उसके हर खेत के चारों तरफ जो है ना एक वाटर ट्रंच होगी जिसको हम एक्वा कल्चर कह रहे हैं। एक्चुअली में एक्वा कल्चर वो कम है, वो वाटर हार्वेस्टिंग ज्यादा है। तो हमारा विचार है कि हम जो है आने वाले 3 साल में, 2 से 3 साल में पानी को पुनः 8 फीट पर लेके आए, राइट। अब ये जो बड़े बड़े प्लांट जो होंगे तो एक्वा कल्चर में हम एक्वा का काम भी करेंगे, सिंगाड़े भी करेंगे, एलगे भी करेंगे, मछलियां भी करेंगे, लेकिन वो उतने समय तक की रहेंगी जब तक की पानी रहेगा, क्योंकि हम बड़े बड़े पेड़ लगा रहे हैं और उसमें कोई प्लास्टिक की बोतल लगा नहीं रहे हैं, क्योंकि पानी तो नीचे भेजना है, राइट जी सर। तो आगे चल के हो सकता है कि जहां पानी बहुत ऊपर हो वहां से पंप करके भी इसमें डालें, और ये जो ट्रंचेज हैं ये आपस में कनेक्टेड होंगे जी सर। तो देखा जाए तो नहरों के ऊपर आपका खर्चा जीरो हो जाना चाहिए सर, वो थ्योरेटिकल अलग चीज है, प्रैक्टिकल बहुत। अरे इसमें देखो देखो शर्मा जी, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के नाम पे जो हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं उनको पाले रखना कोई अच्छी बात नहीं है ना। शर्मा जी अभी थोड़ा सा हम काटना चाहेंगे, मेरा ये कहना है कि यदि हम वर्तमान ग्राउंड एक्सपीरियंसेस को ही जीवित रखना चाहते हैं तो नई चीज के लिए जगह नहीं है, परिस्थिति तो सबको एक्चुअली चेंज चाहती है, परिस्थिति ऐसी है, तो हम ये कह रहे हैं कि हम वो करेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए शर्मा जी, हम ये कह रहे हैं कि वो चेंज मैथिली शरण गुप्त अपने मॉडल के माध्यम से लाएंगे और किसानों को उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, किसानों को केवल एक ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट साइन करना होगा और उन्हें अपने ही खेत में मैनेजर होने के लिए उनको जो है ना उल्टा पैसा भी मिलेगा जी सर। उनको जो है अपने, यदि वो अपने खेत पे काम करते हैं तो उन्हें काम करने का भी पैसा मिलेगा, राइट जी सर। उनके यहाँ पे काम करने के लिए उनके ही गांव के जो लोग हैं जिनको इसके लिए डेवलपमेंट किया जाएगा, इसके लिए उनको बहुत शॉर्ट कोर्सेस जिसको जितना ज्ञान की आवश्यकता है उतना ज्ञान दिया जाएगा, और वो मशीनें भी दी जाएंगी जिससे वो काम आसानी से कर सके, राइट जी सर। ये सब कौन लाएगा? ये सब सीएफबी अपने हिसाब से ला रही है, राइट जी सर। और इन सब से जो है ना सीएफबी एक ज्वाइंट वेंचर का एक बाकायदा लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रही है जी सर, जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में इनफोर्सिबल होगा जी सर।
सीएफबी का अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा जी सर, सीएफबी के अपने वेयर हाउसेस होंगे और वेयर हाउसेस दो एंड पर होंगे, एक प्रोडक्शन एंड पे होंगे और एक कंज्यूमर एंड पे होंगे। तो कंज्यूमर एंड पे तो ऑलरेडी बहुत सारे वेयर हाउसेस बने हुए हैं राइट, उन वेयर हाउसेस को एज इट इज जो है ना ज्वाइंट वेंचर में अडॉप्ट कर लिया जाएगा राइट। सीएफबी आपका हर केस में पार्टनर है नंबर वन। सीएफबी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर को और जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर को इसको दो पार्ट में बांट के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको लंबे समय पे जो है ना खींच रहा है राइट जी सर। तो जो कैपिटल चीजें आज कैपिटल आपके पास ना होने के कारण आप कर ही नहीं पाते हैं वो कैपिटल आपके लिए अरेंज जो है ना बैकएंड इंजन जैसे सीएफबी करेगा। और सीएफबी की सोच है कि हम इसको 5 टाइम इकोनॉमी पे तो 2-3 साल में ही ले जाएंगे और इसके बाद तो ये 25 टाइम्स इकोनॉमी में चली जाएगी, मतलब एक हम समृद्ध साल भरसाली भारत का निर्माण कर पाएंगे। अभी तो हमारी जो सोच है वो सोच ही उसको पूरा नहीं होने दे रही है। मतलब देखिए जमीन पे उतारना कठिन नहीं है, सोच हमारी बाधक हो रही है जी सर। तो आपको जो है ना कमी निकालना है कि देखिए साहब, देखिए यदि मैं जो कह रहा हूं आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को जो है ना थोड़ी देर के लिए तेल लेने भेज दिया जाए राइट, आपको हम जो कह रहे हैं उसमें क्या कमी है उस पर शास्त्रार्थ करना। हाँ ये भी हो सकता है हाँ। क्योंकि जानते क्या है, यदि यदि आप अपने आप को विद्वान मानेंगे और जो आपने जिया जो आपने सीखा है उसी को जो है आप सर्वभौमिक सत्य मानेंगे तो उससे परिवर्तन तो आप नहीं कर पाएंगे। नहीं सर उसमें प्लस माइनस होता ही है। नहीं मेरा ये कहना है कि यदि जो आज की हकीकत आप झेल रहे हैं जी सर और उसी से आपको लगता है कि इसके परे और कोई सत्य है ही नहीं है जी सर तो आप अपनी परिस्थिति में कभी परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। सही है ये बात, सही है ठीक है ना। तो आप अपनी इसलिए हम एक सेशन केवल इस बात पर रखना चाहते हैं कि जिसमें हम आपकी परेशानियों को समझना चाहते हैं राइट जी सर, सर जिससे सर। हम अपने मॉडल में उन परेशानियों के सॉल्यूशन को निकाल पाए। सही है। देखो शर्मा जी मेरे साथ एक्चुअली में क्या हो रहा है कि कोई कॉस्मिक पावर ने मुझे टेक ओवर कर लिया है जी सर और वो मेरे मैं सोता भी हूँ तो भी मेरे दिमाग में कुछ मंथन चलता रहता है। तो यदि मुझे कोई ऐसी चीज समझ में आती है जिसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं होता है तो 2-3 दिन में मेरे मुझे पास वो सॉल्यूशन आ जाता है जी सर। तो मेरा ये 200% संभावना है ये कि हम 2024 के पहले ये व्यवस्था जमीन पे उतार देंगे और इसके पीछे डिजिटल इंजन काम करेगा। तो जो अभी मेन प्रॉब्लम है वो है कि मिडिल मैन पैसा बना रहा है। हाँ है ना सर। देखिए एक तो नेचर के ऊपर आपने बहुत अत्याचार कर दिया है, केमिकल्स हर जगह आपने डाल दिए हैं। हाँ, तो है फिर हमने अपने लालच के कारण हार्मोनल इंजेक्शन हम हर किसी को दे रहे हैं ठीक है ना। हाँ, है। फिर जो है हमारे दुष्ट डॉक्टर ने आपको इतने सारे मॉलिक्यूल दवाइयों के नाम पे दे दिए कि वो पैसा भी कमा रहे हैं और आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। वो है सर राइट। फिर जो है दूध वगैरह को जो है जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका 1/3 दूध ही पैदा हो रहा है तो 2/3 मिल्क जो है वो केमिकल ओरिजिन का है। हाँ सही है और ये सब जानते हुए भी कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी जान रहे हैं सब। नहीं लेकिन ये है कि इसमें रिसर्च ये कह रही है कि यदि 4 साल तक उस दूध को उस या उसके प्रोसेस्ड आइटम को चाहे वो घी के फॉर्म में हो चाहे दही के फॉर्म में हो जिस फॉर्म में भी हो यदि हम 4 साल तक लगातार यदि उस प्रोड्यूस को सेवन करते हैं तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा जो उसको सेवन करेगा। तो इन तमाम कारणों से 5 साल के अंदर यदि हम नहीं चेते ना अब मैं वो भविष्यवाणी कर रहा हूं तो हमारी 2/3 पॉपुलेशन जो है वो कैंसर या ऑटोनोमस डिजीजेस से सफर करेगी। इसका मतलब है कि हर 3 में 2 व्यक्तियों को कैंसर या ऑटोनोमस डिजीजेस होंगी। हाँ है ना सर। अच्छा यदि 2 लोग जो है आपके परिवार के यदि अस्पताल में कैंसर से जूझ रहे होंगे ऑटोनोमस डिजीजेस से जूझ रहे होंगे तो आपको एक आदमी तो लगेगा ना उसको संभालने के लिए। एक आदमी नहीं है पूरा खत्म मामला, पूरी इकोनॉमी खत्म, पूरा परिवार खत्म। मैं यही कह रहा हूँ एक आदमी लग जाएगा ना 2 के ऊपर तो इसका मतलब है 99% आपकी कैंसर और उससे रिलेटेड विस्का से जो है वो जूझेगी। आपके आपके इस दुष्ट डॉक्टर और जो मेडिकल सिस्टम है उसने कोरोना का कोई इलाज ना होते हुए भी आपसे लाखों वसूल लिए। हाँ
कुछ नहीं है, इसके बावजूद भी करोड़ों रुपए शासन ने खर्च कर दिए, करोड़ों पब्लिक से करा लिए। नहीं तो ये दुष्टता है ना, जब आपके पास इलाज ही नहीं है तो साला आपने हमको एंटीबायोटिक क्यों दिए हैं, जो एंटीबायोटिक का तो हमारे शरीर में ऑपरेशन हुआ था क्या? आप मेरी बात समझिए, मैं बराबर आपका वो देख रहा हूँ। आपने तो प्राइम मिनिस्टर तक की लिख के भेज दिया, चार बार लिखा मैंने, मेरी बात तो समझ ले सर, क्या नतीजा निकला? ये ठीक है प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है या देख नहीं सकता तो सारे क्यों, उसके पास उसके पास नहीं, नहीं उसने जहाँ पे वो डिजिटल सिस्टम रखे हैं, जहाँ पे क्लिक ऑफ द बटन पे जो चीज पहुंच रही है उसको पढ़ने के लिए समझने के लिए हजारों ब्यूरोक्रेट लगाए गए हैं, वो क्या कर रहे थे, तेल लेने गए थे क्या? कुछ नहीं कर रहे, तो ये तो बेसिकली तो वही आदमी बैठेगा ना जाके जो उनका पॉजिटिव वाला होगा, नेगेटिव तो वही होगा ना, नेगेटिव जो बोलेगा तो उसका तो हाल वो संजीव भट्ट का होगा ना। चलिए आप इसको इसको छोड़िए, नरेंद्र जी को जो है ना, मोदी जी को जो है ना अपना काम करने दीजिए, अपन जो है ना ये व्यवस्था पैरेलल में खड़ी कर देते हैं। करें सर, करें अच्छा है। नहीं नहीं लेकिन इसमें आपका सहयोग चाहिए और आर्थिक सहयोग भी चाहिए। आर्थिक तो खैर हम क्या दे पाएंगे सर, हम अरे जो है ना, अरे आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, आपके आपकी जो है चारों जो 400 एकड़ जगह है वो जो है आपको सीएफबी मॉडल पे उतारना पड़ेगी विद द ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट करना पड़ेगा आप मेरे साथ आपको। जी सर, राइट फिर वो हमारे तरीके से चलेगी, क्योंकि इसलिए ज्वाइंट वेंचर इसलिए वो डॉक्यूमेंट साइन हो रहे हैं जिससे कि फिर आपकी अकल जो है ना, यदि आपको अकल देना है तो मुझे देंगे आप, आपकी सीधी अकल नहीं चलेगी वहां ग्राउंड पे। जी सर, सर समझ रहे ना आप सर, सर मैं शर्मा जी यदि सब कुछ ठीक रहा, देखिए जो उसके पीछे टेक्नोलॉजी है वो हम 6 महीने में जमीन को उतारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? नहीं रहिए सर, देखिए जितना भी कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में 80-90% देखिए देखिए हिंदुस्तान को आप जो है ना कमजोर मत मानिए, हिंदुस्तान का आदमी बहुत चतुर है, यदि यदि उसे समझ में आ गया कि इसमें ज्ञान, देखो जस्ट ए मिनट, यदि उसे समझ में आया कि इसमें लाभ छिपा हुआ है तो वो दो दो महीने दो दो घंटे लाइन में खड़े होकर भी जो है ना चीजें लेता है, वो सही है। तो आप ये मत सोचिए, उसे उसे ही इंडियन कम्युनिटी इज हाईली प्राइस सेंसिटिव, इट इज हाईली जो है ना सेल्फ बेनिफिट ओरिएंटेड, यदि उसे अपना फायदा दिख गया तो चाहे वो जो है बाबा रामदेव का जो ना वो हो, चाहे जो ना योगा हो, चाहे और कुछ हो, उसे फायदा देखेगा तो वो करेगा। वो तो है, वो तो फायदा है। दिखाने आप फायदा, यदि फायदा है तो आप दिखा क्यों नहीं पा रहे हैं? आप एनिमेटेड फिल्म बनाइए उसके ऊपर, यदि वो विजुलाइज करने की स्थिति नहीं है उसकी तो उसको जो है ना एनिमेटेड फिगर से दिखा दीजिए कि देखिए ऐसा होगा आपका भारत। मेरा रिक्वेस्ट ये है सर कि बाबा रामदेव 500 रुपए में देसी गाय का घी देने का फोटो बना के बेच रहा है जबकि ये असंभव है। नहीं एक्चुअली मैं बाबा रामदेव, देखिए बाबा राम, जस्ट ए मिनट, बाबा रामदेव के ऊपर तो कुछ कुछ दुष्टता सवार हो गई है, राइट? वो भी उन्हीं केमिकल से बना रहा होगा ना फिर मिल्क, यदि 500 का बना ही है ना, बटर वायल को आयात कर रहा है उससे बना रहा है और बटर वायल खा रहे हैं लोग, गाय का बढ़िया फोटो बना हुआ है। अब आप मुझे बताइए, सीधा फंडा है सारा कि एक गाय के नहीं, लेकिन ये शर्मा जी मैं आपसे दूसरी बात, शर्मा जी मैं आपको काट के दूसरी बात पूछ रहा हूँ कि रामदेव महाराज जो है इनकी कोई आगे बच्चे नहीं है, ये दुष्ट ये दुष्टता क्यों कर रहा है? सर मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए, माया नहीं, नहीं मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बताइए। अरे भाई माया कर रही है, माया तो यही रह जाएगी, मर जाएंगे अभी यार। रामदेव महाराज की उम्र क्या है इस समय? नहीं आ रही समझ में। नहीं नहीं रामदेव महाराज की उम्र क्या है? 50-55 साल के, और क्या है? अच्छा 50-55 के ही है? हाँ 55-55 का ही होगा, और क्या। अच्छा चलो जो भी है, अपन उसको 60-65 का मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? और कितने साल तक जिएगा ये, 80-85? अरे मैं तो कहता हूँ 100 रह जाए, क्या पता चल रहा है। अच्छा ये बात है, अच्छा जो भी कमाएगा वो साल यही रह जाएगा। लेकिन सर ये माया जो है ना, ये ग्रसित है ना, तो भैया जो है नेत्रजन गुप्त भी तो यही कि यदि मैसन को देख पा रहे हैं तो ये दुष्ट जो ना रामदेव क्यों नहीं देख पा रहा है? नहीं नहीं देख पा रहे, अंधी चश्मा चढ़ा हुआ ना माया का। वो रामायण में एक चौपाई है कि भरत परत भूमि महा डाबर पानी जिम जीव है जी माया लपटानी, माया लपट जाती है आदमी से।
नहीं, एक्चुअली में माया इसलिए लपट जाती है क्योंकि हम मूलभूत सिद्धांतों को भूल जाते हैं। भूल गए ना सर? नहीं तो आप जो शमशान में जाते हैं, आपके जो है ना शरीर से धागा भी तोड़ दिया जाता है, वो आपको यही याद दिलाने के लिए किया जाता है कि बेटे आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं ये है। सर बहुत अच्छी बात है आप बोल रहे हैं सर, बट इन हाँ, अच्छी बातों को सुनने के लिए इंडिया का 5% आदमी भी तैयार नहीं है साला, हम तो जो और है ना सुन भी नहीं, लेगा हम ये कह तो रहे उसका हैं, पालन करने को तैयार नहीं। हम तो ज्ञान ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम जो है क्राइम फ्री भारत इज अगेंस्ट स्प्रेडिंग अवेयरनेस, नॉलेज और ज्ञान को नहीं बांटेंगे, अवेयरनेस को नहीं बांटेंगे, उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट कर देंगे। उपयोग करो ना साला, अच्छी बात है आप हम ज्ञान क्यों बांटे शर्मा जी को, हम आपसे क्या आज कह रहे सर, हैं क्योंकि देखिए सर देखिए। मेरी बात सुन लीजिए सर, हाँ अभी हम लोग गए थे सरसों बोनी थी, ओके, कर्जा लदा हुआ है, वो लड़का जो गया खत्म हो गया भतीजा, वो कुछ कर्जा लाद गया, ओके, तो भैया बोले कि किसी तरह का कोई खाद नहीं डलेगा और देसी बीज बोवेगा क्योंकि ये तो ओके, अमेरिका हाँ में रहते हैं। हाँ तो हमने उनसे कहा कि भैया ये कर्जा जो रखा है ऊपर सर्फ है जिसमें जमीन मॉर्गेज रखी है, इसको कैसे पटाएंगे? उनने कहा कि इस सिस्टम से पटेगा। मैंने कहा इस सिस्टम से तो मुश्किल है क्योंकि जमीन की जो आदत है वो खाद खाने की पड़ गई है इतने दिन से। ये जमीन की एक आदत दफ बदलने में कितना समय लगेगा? अरे सर आप नहीं मेरी नहीं नहीं भी ये सुन जवाब लीजिए दो, सर। नहीं इसको इसको इवेड मत करो, इसको इवेड जी मत सर। करो, इवेड मत करो। ये देखो, तुम यदि अपने अनुभवों को ही सार्वभौमिक सत्य मान लोगे तो आप बदलाव नहीं कर सकते हो। नहीं बदलाव करने को तैयार है लेकिन कुछ में पॉजिटिविटी देखना चाहिए ना। हाँ तो पॉजिटिविटी, हम तो आपको एनिमेटेड फिल्म दिखाएंगे ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? नहीं सर और हम फिल्म ये कह रहे हैं, जी देखिए हम ये कह रहे हैं कि हम आपको ज्ञान नहीं बांटेंगे, नंबर वन। जी नंबर सर टू, आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। नंबर जी सर थ्री, हम जो मशीन टूल्स इक्विपमेंट जो भी डिजाइन करना है, कवाड़ना करना है, वो हम कवाड़ेंगे, राइट? सर और आपको 5 गुना इनकम दे देंगे, आपके पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए, बस क्यों नहीं सीधी सी होना बात चाहिए? वो है, तो फिर लोग आप अपना ज्ञान अगर ये क्यों सब कर बढ़ाना देंगे चाहते ना हैं? सर। अच्छा, दूसरी बात है कि जो भी ये कह रहे हैं, ये एक ज्वाइंट वेंचर लीगली इनफोर्सिबल अरेंजमेंट के तहत कह रहे हैं, आप बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? वी विल बी साइनिंग ज्वाइंट वेंचर विथ होल इको सिस्टम, जिसमें नहीं ट्रांसपोर्टर भी हमारा होगा, वेयर हाउस भी हमारा होगा, रिटेलर्स देखो भी सर हमारे सही है होंगे, सब कह रहे हैं, होलसेलर भी हमारे होंगे, और केबल जो है उसको उतनी ही प्रॉफिट जाएगी जिसको सीएफबी जितना डिसाइड करेगा, लीवर उसके पास पहुंच जाएगा, राइट? हाँ अभी जो प्रॉब्लम है कि हर कोई अंड्यू जो है ना लाभ लेना चाहता है, जो दुष्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो थोड़ी सी कोई चीज बना लेते हैं, कोई फलाना सॉफ्टवेयर बना लेता है, वो जो है ना लखों में और करोड़ों में जो है ना तनख्वाह चाहता है। तो मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ सर, एक मिनट मेरे को सुन लीजिए आप। हाँ तो फिर जैसे वैसे मैंने उसको जाके राजी किया कि भाई 1-2 साल आप करके हमको इसको और हमें इसको कर्जे को क्लियर कर दो, फिर अपन प्रैक्टिकल करना शुरू कर देंगे सैद्धांतिक तौर से जो भी इको बात सिस्टम है। ठीक है, पहले सिर्फ हल्का अब इसके होगा तो बाद कोई हमने दिक्कत बीज नहीं होगी। तलाशना हाँ शुरू किया तो बीज का पता चला कि पायनियर 45-46 करके एक अमेरिकन कंपनी है, वो एक प्रोड्यूस कर रही है सरसों का सीड, और वो राजस्थान से मिलेगा, छबड़ा पास में है गुना के, वहां से मिलेगा। ओके, 1 किलो की कीमत 880 रुपये। ओके, अब जिनको 2-4 किलो बोना है तो उनको तो ठीक है, 2-3 हजार में काम बन गया। अब हमें 100 बीघा में बोना है, 1 बीघा में 1 किलो लगती है, तो 1 क्विंटल कम से कम चाहिए, तो 1 क्विंटल चाहिए मतलब 88 हजार की, 88 हजार की 1 क्विंटल आएगी, और सरसों बिक रही है 7,000 रुपये क्विंटल, बिक रही है 7,000 उनका। अब भैया ने उसमें डिटेल खंगाला नेट वेट पे जाके, तो कोई वहां की कंपनी है अमेरिका की, वो सीड दे रही है, उसका बीज नहीं बनता, वो इसको कहते हैं जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड, मॉडिफाइड है। हाँ यस, प्रोटीन नहीं, मॉडिफाइड भी नहीं कहते उसको, जेनेटिकली टर्मिनेटेड कहते हैं उसमें जो है। नहीं लेकिन ये बताइए ना, बीज का मुख्य कार्य है जर्मिनेट होना, राइट? उसके माध्यम से वो अपनी फसल को आगे बढ़ाना, सीड का मतलब ये, बीज का मतलब यही होता है, राइट? अब यदि आपने उसकी बेसिक क्वालिटी काट दी, यदि आपने उसकी बेसिक क्वालिटी काट दी, तो आपने नेचर से उसके मुख्य कार्य के प्रति खिलवाड़ किया है। बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं सर, वो कार्सिनोजेनिक होगा ये कि नहीं आप होगा? जो बातें बोल रहे हैं ना, ये बेवकूफ की बातें हैं सर।
अरे वेदत्त को देखो देखो, हम वेदत्त को भाषण नहीं दे रहे हैं, हम तो मॉडल उतार रहे हैं। वेदत्त की बात कर रहे हैं सर, यहाँ पूरे हिंदुस्तान में राक्षसी प्रवृत्ति छाई हुई है। तो भैया तुम राक्षसी प्रवृत्ति को अपने सिर में रखो, धीरे धीरे हम बदल देंगे उसे, अपने आप बदल जाएगी। तो मेरा कहना है सर कि अब उसके लिए हमने कहा यार 88,000 रुपए तो ज्यादा है, तो हम डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर पे गए। वहाँ कोई उपाध्याय जी महाराज हैं, उनसे मिले, उनसे कहा ऐसी ऐसी परिस्थिति, आपका क्या कहना है? बोले साहब ऐसा है, अगर हाईब्रिड आपको लगाना है तो फिर आपको हाईब्रिड लगाना पड़ेगा, और अगर आपको देसी बोना है तो वो तो आपको 50-60 रुपए एक लो के हिसाब से मिल जाएगी। तो मतलब प्रोडक्शन तो साहब बहुत कम है उसका। तो बस अल्टीमेटली उनने कहा कि एक सृष्टि करके हमारी रिसर्च सेंटर से आई है, वो 425 की है और हाईब्रिड भी है, और वो पायनियर के थोड़ा बहुत एक आध कुंटल का प्रोडक्शन का यील्ड का फर्क पड़ेगा। तो फिर वो खरीदी सर हमने, सृष्टि खरीदी। ओके। और वो भी है, अब देखेंगे जो कुछ भी होएगा। तो अब कहना मेरा ये है सर कि जो प्रोडक्शन ज्यादा के चक्कर में सब किसानों ने बोई पायनियर बोई है, सब किसानों ने, और बीज नहीं बनेगा उसका, केवल प्रोडक्शन यील्ड ज्यादा आएगी, अब इसके बाद वो फिर बीज खरीदेंगे। तो उन्होंने सीधा ही सीधा आपके बीज पे कंट्रोल कर लिया। अब बीज पे कंट्रोल कर लिया मतलब पूरा प्रोडक्शन सब उनके हाथ में आ गया, सीधी सी बात आ गई। अब आप क्या करोगे उसका? और मेरे पास तो हर चीज का जवाब है और समाधान भी है। नहीं सर, कारण क्या है, आप जैसे कह रहे हो ना लाभ होगा तो आदमी जाएगा, अब उनने लाभ बता दिया आपको, 6-7 क्विंटल एक बीघा निकल आएगी, उसमें बीमारी भी नहीं लगेगी, ट्रीटेड सीड है, तो लोग दौड़े लगाए जा रहे हैं और बो रहे हैं उसको। अब पुराने इंडियन जो सीड से खत्म है, हिंदुस्तान में कितनी क्वालिटी थी इसकी, 300 या 3,000 कितनी थी राइस की क्वालिटी, अब मुश्किल से 200-250। शर्मा जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं? अच्छा पूछिए। अच्छा ये बताइए मुझे, यदि ईश्वर ने 3,000 वैरायटी राइस की पैदा की थी जी सर, तो ईश्वर की कुछ ना कुछ सोच रही होगी उसमें। ईश्वर की बात कहाँ कर रहा है? नहीं नहीं, मैं तो आपसे कर रहा हूँ ना, आप दूसरों को, आप दूसरों बीच मत घसिए, आपके क्वेश्चन तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना जी सर। आप ये बताइए, यदि किसी चीज के 2,000 वैरायटी थी, इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ इंडिविजुअलिटी होगी, राइट? निश्चित रूप से वो तो है ही। अच्छा, इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ मेडिसिनल चीज होगी, कुछ ना कुछ चीज होगी। मल्टीग्रेन का ही मतलब यही था कि जो बीमारी हो रही है केवल गेहूं खाने से हो रही है, मल्टीग्रेन सिस्टम जो खाने का था उसके कारण कोई बीमारी नहीं होती थी। नहीं तो वो अब जो है, अब जो है मल्टीग्रेन हटा लो, वह खाने लगे हैं, काफी कुछ परिवर्तन तो आ रहे हैं। ये पढ़े लिखे 2% आदमी है हमारे, आप जैसे आप जाके जो यहाँ फिल्म रह रहा है वहाँ जाके पता तो कर लो क्या होता है मल्टीग्रेन, किसी को कुछ मतलब नहीं है। आपको मालूम है ये जो फिल्म में रह रहा है वो, उसको 50,000 रुपए की परचेजिंग पावर पर मंथ हम दे रहे हैं, देने का हमारा विचार है। इसका मतलब है कि एक परिवार में भी 4 लोग हैं तो 2,00,000 रुपए कमाएंगे, तो भाई साहब वो मल्टीग्रेन आटा क्यों नहीं खाएंगे? अरे उसको तो दारू पी के सोना है, काम 2 कौड़ी का। अरे दारू पी के सोना तो उसके लिए संभव ही नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। तो वो तो पिएगा और सोएगा, आप वो अपने आप छोड़ेगा, आप चिंता क्यों कर। देखो ऐसा है, आप आज एक जानबूझ के कमजोर सिस्टम बनाते हो, राइट? जी सर। आपकी जुडिशरी जो है वो आधार को लिंक करने से इसलिए नहीं घबरा रही कि आपकी प्राइवेसी इन्वॉल्व है, वो इसलिए घबरा रही है कि उसके पास करोड़ों रुपए जो है ना रिश्वत के आ रहे हैं, वो लिंक हो जाएंगे तो साले जो है ना वो जत्ता जेल चले जाएंगे। जी सर, जी सर। ये चिंता है। जी सर, ये चिंता है। तो हम सब लोग जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है ना, जो हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने स्वार्थ को छिपाते हैं और लगता है कि हम फंस जाएंगे इसलिए सारे की बातें करते, हम तो उल्टी बात कह रहे हैं। हमने क्राइम फ्री भारत में कानून बनाया है जिसमें मैंने कहा है कि यदि जो चेयरमैन है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ। अच्छा ये बताइए, आप लोग जो है ना ये कहते रहते हैं कि साहब पुलिसिंग स्टेट सब्जेक्ट है, आपको ये क्यों नहीं मालूम है कि पुलिस को अच्छा और इफिशियंट बनाने की मूल जिम्मेवारी केंद्रीय सरकार की है? आप लोग नहीं नहीं, आप अच्छे विद्वान हैं, आपने जो है ना ये सेक्शन 39 सीआरपीसी सभी को क्यों नहीं बताया कि साहब जो है ना यदि आप हमें नहीं बताएंगे तो आपको जेल भेजा जा सकता है?
क्यों? क्योंकि हाँ, आपको अपराध कायम करना पड़ेगा। इस देश की प्रॉब्लम जो है, हम दुष्ट जो है ना इंटेलेक्चुअल्स हैं जी सर, हम इस समस्या के कारण है क्योंकि हम अपने उपभोग के लिए सिलेक्टिवली उस सिस्टम का यूज कर रहे हैं। इस देश के रिसर्चर, इस देश के विद्वान की कलमें बिकी हुई हैं, इस देशों के पत्रकार की कलमें बिकी हुई हैं। ये क्या भला करेंगे इस देश का? रूप से सच बात सही है, सैद्धांतिक रूप से आप जितनी बातें बोल रहे हैं वो एकदम 100% सही है। तो भैया इसको रिवर्सल का फार्मूला भी हमारे पास है और वो भी ज्ञान बिना बांटे हुए। आपसे कुछ नहीं कराएंगे हम, आपसे कुछ नहीं कराएंगे, बस और क्या चाहिए आपको? देखिए देखिए, यदि हम आपसे कुछ करा नहीं रहे हैं और आपको लाभ दे रहे हैं, फिर यदि आपके पेट में दर्द है तो फिर आपका आपका जो है ना बिहेवियर ठीक नहीं है, ठीक है ना? भगवान मालिक है। यदि अच्छा, दूसरी बात है कि हम आपसे सिद्धांत चर्चा भी करने के लिए तैयार हैं कि हम कैसे करेंगे, राइट? हाँ, और कैसे प्रैक्टिकल, और फिर हम आपसे भी जानते हैं, आप कहेंगे साहब ये प्रैक्टिकल नहीं है तो हम आपको पूछेंगे भैया प्रैक्टिकल कहाँ पे नहीं है ये बताओ, हम उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। नहीं है सर, इसके लिए तो अच्छा ओपन एक आपको सेमिनार करना चाहिए सर बुद्धिजीवियों। अभी 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 देखिए देखिए, हम बुद्ध हमें तो जो है ना सेमिनार करने ही नहीं है, वैसे ये चल रहे हैं यही सेमिनार ही तो है ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं। अभी 10 मिनट बाद ये अपलोड हो जाएगी, इसलिए हमने आपसे कहा था कि हम इसको रिकॉर्ड कर लें, ठीक है ना? जी सर, दिस विल बी अपलोडेड विद इन, जैसे ही आपसे बात खत्म होगी उसके दूसरे सेकंड में अपलोड हो जाएगी। जी सर, तो ये यही तरीका का है ना, अनौपचारिक आप बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल एक्सटेम्पोर बात कर रहे हैं, हम एक्सटेम्पोर बात कर रहे हैं, इसमें ओरिजिनलिटी है। हम कोई सेमिनार करेंगे तो जो ना कुछ चार पुंगों को इकट्ठा करेंगे, वो सारे झूठ झूठ बातें करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये सर कि हमको हिट उस जगह करना चाहिए जहां पर कि हमको लगता है कि कुछ उस पे इम्पैक्ट आएगा। हम ये कह रहे हैं इम्पैक्ट की बात ही मत करो आप तो। देखो, अभी पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? क्या मैत्रीचरण गुप्ता हर किसान के पास जा पाएंगे? क्या नहीं जा पाएंगे? तो हमने उसमें सिस्टम रखा है कि किसान छोड़ दीजिए, एग्रो इंडस्ट्री सबके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम दिया है LIC वेस्ट टाइप का जो मॉडल है, जिसका नाम दिया है CFB बिजनेस डेवलपमेंट मॉडल, राइट? जी सर। CFB डेवलपमेंट बिजनेस मॉडल क्या कह रहा है, जैसे अज्यूम करिए कि हमने शर्मा जी को अपना वॉलंटियर बनाया, राइट? अब शर्मा जी को जो है ना अपने जो भी प्रभाव क्षेत्र में उनमें जाके पूरे मॉडल के डिटेल के साथ जो है किसान को बताना है कि भैया तुमको इसमें ये फायदे हैं, ठीक है ना? उसके लिए एनिमेटेड फिगर भी होगी, ब्रोशर्स भी होंगे, और एक बैक एंड में जो है ना इंजन होगा, जैसे आप सिम लेते हो ना, उतनी देर में ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। जी सर, सर उतनी देर में, राइट? अब आपने यदि मान लो एक बड़े किसान से आपने ज्वाइंट वेंचर कराया, आपके खाते में 10,000 रुपए पहुंच गए, राइट? अब मानो कि यदि आप चूंकि एक इन्फ्लुएंशियल हैं और आप पावरफुल हैं, आपको ग्राउंड का अनुभव भी है और आपने समझने के बाद बात कही है, तो जो आप बोलेंगे वो धारा प्रवाह में बोलेंगे, वो कन्विंसिंग होगा, राइट? सही बात। तो आपको यदि एक मिनट के लिए मान लें कि आप जो है ऐसे 10 किसानों को रोज ज्वाइंट वेंचर कराते, क्योंकि आप वहीं घूम रहे हैं, यही काम कर रहे हैं और कोई दूसरा काम ही नहीं कर रहे हैं आप, राइट? जी सर। तो आप उसके लिए दूसरे मॉडल भी, एडवांस मॉडल भी निकाल लेंगे कि साहब एक जगह इकट्ठा कर लिया है, रामायण की जो कर दिया, फिर उसमें सबको समझा के जितने लोग बने तो बने, फिर दूसरे खेत गांव में चले जाओ, फिर तीसरे गांव में चले जाओ, फिर लौट के इस गांव में आ जाओ, राइट? तब तक जो है ना उसका ओपिनियन और वो सब बनना चालू हो जाएगा, राइट? अब अज्यूम करिए कि आप एक दिन में यदि 10 ज्वाइंट वेंचर करते हैं तो आपने 1,00,000 रुपए कमा लिए जो आपके खाते में उसी समय पहुंचेंगे, जैसे ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट ज्वाइंटली साइन होगा आपके वॉलेट में पहुंच जाएंगे वो, ठीक है ना? जी सर, सर। तो आपने एक दिन में 1,00,000 कमा लिए, राइट? आप बताइए, आप जो है 30 दिन में आपने 30,00,000 कमाए, एक मिनट अपन ने बात मोटा मोटी मान ली, राइट? जी सर। और 1 साल में आपने 3,60,00,000 रुपए कमा लिए, राइट? और अपन मान लेते हैं कि चूंकि ढेर सारे लोग ये काम करेंगे तो 1 साल में अपने जितने भी किसान हैं लगभग सभी पार्टनर बन गए, एक मिनट के लिए हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, ठीक है ना? जी सर। तो 3,60,00,000 का जो है 10% आपको एनुअल रिन्यूअल अमाउंट मिलेगा, आपको जिम्मेवारी भी दी जाएंगी जिनको आपको करना होगा, ठीक है ना? तो आपको 36,00,000 रुपए फिर भी मिल रहे हैं अभी, अब आप एक भी ज्वाइंट वेंचर नहीं करा रहे हो। जी सर, ज्वाइंट वेंचर कराओगे तो 10,000 के हिसाब से आपको फिर मिलेगा, राइट? सर सर। लेकिन अपन हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि 1 साल में हम जो है ना रीच आउट हमने लगभग 100% कर ली, राइट? या 3 साल में अपन कर लेंगे तो आपको जितना आपने किया तो 36,00,000 रुपीज पर मंथ का जो है, 36 रुपीज पर एनम का मतलब हुआ आपने 3,00,000 रुपए हर महीने, राइट? जी सर।
फिर आप जो आपसे एक्टिविटी कराई जाएगी उसका भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। तो आपका मतलब 40-50 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। आप इतने पावरफुल सिस्टम से आप जो ना क्या हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाओगे क्या, हाँ या नहीं? नहीं सर, वो तो आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन इतना आसान काम नहीं है सर ये। देखिए तो हर यात्रा जो है, हर यात्रा देखिए ऐसा है, आप तो छोड़ दीजिए, आप देखिए मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ। आसान नहीं है, कठिन है, ये तो जो है ना फिर से जो है ना सब्जेक्टिव स्टेटमेंट हो गए हैं। सब्जेक्टिव नहीं है, बिल्कुल सही प्रैक्टिकल बात है ये। कोई भी किसान को आप ये कुछ भी मॉडल समझा दीजिए, वो कहेगा साहब मेरी तो जमीन, मैं नहीं करूंगा, मैं साइन नहीं करूंगा। फिर वो कहेगा साहब मेरा तो भाई बंधु को बंटवारा है और मैं, हम लोग सब चर्चा करेंगे। अरे मेरा ये कहना है कि देखिए देखिए आपने तो 100 लोगों को समझाया, राइट, 2 लोगों को समझाया, 2 लोगों से करो ना, क्या दिक्कत है आपको? नहीं समझा, आपने 2 लोगों को कर लिया और 2 लोगों के साथ आप दूसरे गांव में चले गए, फिर लौट के आ गए, तब तक दूसरे लोगों को समझ में आने लग जाएगा। अच्छा हर कट देखिए आपको जो ना यदि 3,60,00,000 रुपए मिल रहे हैं तो आप अपनी जान डालेंगे कि नहीं डालेंगे उसमें? सर कठिन काम है सर ये जो कैलकुलेशन तो आप कर रहे हैं ना, 3,60,00,000 रुपए तो अरे सर ये जो कैलकुलेशन है ना आपका, ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है सर, कोई बात नहीं है, इतने आसान नहीं है सर, कोई चीज होती नहीं है सर। अरे आप एक आदमी को, हम ये कह रहे हैं उनका छाप लोग हैं, एक आदमी को आप कन्विंस नहीं कर सकते सर, एक आदमी को, कोई बात नहीं, वो आपको इतने गलत बताएगा और दुनिया भर के जाके सलाह लेगा, कहीं वकील पे जाएगा, कोई रिश्तेदार, हाँ, वो जितने गलत समझाए, देखो जितने गलत समझाए वो गलत आप जो है ना पढ़ के मुझे बताओ, मैं उसका काट दूंगा। मैं बताऊंगा सर आपको, आपको मैं बताऊंगा, एक आदमी को आप कन्विंस नहीं कर सकते सर गाँव में। यार जो है ना ये जो लोग बाग जो है ना इतने जो है यूनिट ट्रस्ट के और इन सब के बेच रहे हैं आपको चूतिया बना के, पढ़े लिखे आदमी कर रहे हैं सर ये, गांव का एक आदमी कोई कुछ यूनिट ट्रस्ट व्रस्ट कुछ नहीं है किसी का, वो केवल अपनी जमीन को पकड़ के बैठे हैं, उनको मालूम है साली ये जमीन कहीं हमारी इधर उधर चली गई तो हम मुंह को मर जाएंगे, तो बे साले जमीन तो उसी की है, जमीन आप कहाँ ले रहे हो उससे, ये तो ज्वाइंट वेंचर बन रहा है। वो तो क्या है सर आपको मैं बता रहा हूँ कि आप चले सर मेरे साथ, मैं गांव में, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं क्यों चलूँ, आप किसान हैं, देखिए मैं क्यों जाऊँ, आप किसान हैं, समझाने की जिम्मेवारी आपकी है, आपको जो ना समझना है वो समझाने की जिम्मेवारी मेरी है। मैं बता रहा हूँ सर आपको, इतना आसान काम नहीं है सर, तो जो है ऐसे जो है ना 1 मिनट में 10,000 रुपए मिलना भी तो आसान काम नहीं है ना। हाँ नहीं है ना, तो जो ना तो कठिन काम के लिए कठिन बता रहे हैं, कठिन काम के लिए कठिन पैसा। देखो और दूसरी बात यह है कि एक बार पहिया घूमा जो आपको कठिन लग रहा है, लोग आपसे लाइन लगा के कहेंगे कि भैया मुझे भी बनना है, मुझे भी बनना है, एक बार उसको समझ में आ गई तो। उसके लिए सर मेरा प्रैक्टिकल ये है, भले ही अपन दूर दराज में ना जाए, जैसे भोपाल के कोई 10 किलोमीटर भोपाल का क्यों करें, आपके गाँव का क्यों ना करें। नहीं मेरी रिक्वेस्ट है सर, इतना आसान नहीं है, मैं जो नहीं, देखो वो जो भी जो है ना LIC एजेंट है, जो भी जो बिजनेस डेवलपमेंट बंदा रहेगा वो उसी एरिया में रहेगा जहाँ उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। कुछ नहीं है सर, कोई इन्फ्लुएंस एरिया नहीं है, किसी की बात कोई मानता नहीं है ना, माने तो आप अपनी बात कही, अगले बार फिर जाके कहोगे आपको, जैसे जूम करिए 10 गाँव आपके हैं, जैसे मिनट यदि आप हर 10 गाँव हो सकता है सर। अरे एक बात और भी है, जो जिस व्यक्ति को आपने कन्विंस किया वो उसका अपना वाला तो आ ही जाएगा ना, आपको जो आपकी बात से सहमत हो रहा है, वो सहमत होना एक अलग बात है, उसको कन्वर्ट करना दूसरी बात है। हाँ जी कर देगा, दस्तखत करने के लिए तो वो कहेगा नहीं साहब मैं विचार करूंगा। हाँ तो विचार करे ना आप उसको 100 बार विचार करने दो, उससे पूछो भैया तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है, विचार करेगा फिर तैयार होगा नहीं होगा। तो आपको कौन सी जल्दी है साला, जो है ना इतने समय तक भट्टा बैठा हुआ है, 6 महीने 8 महीने 1 साल तक करने दो ना उससे विचार, क्या दिक्कत है? वही तो है ना, तो लॉन्ग जर्नी है सर ये, जिससे लॉन्ग, कोई लॉन्ग वॉन्ग जर्नी नहीं है, आप काहे को चिंता कर रहे हो, आप कहोगे तो जो है ना एक टोकन अमाउंट विच विल बी रिकवर फ्रॉम योर प्रोसीड। मेरी बात तो सुने सर आप, अगर इसी का प्रैक्टिकल करना चाहें ना सर, हाँ, तो अपन न जाए कोई दूर इलाके में, भोपाल से 20 किलोमीटर दूर किसी गांव में चले जाइए आप, ओके,
और फिर प्रैक्टिकल देखिए सर, वहां आपको अपने आप समझ में आएगा। मैं नहीं समझाऊंगा आपको, मत आप किसी को समझाओ, आप जाके अपना जो भी आपके पेम्पलेट हो, आपको कोई आपको प्रोजेक्टर पे कोई डिस्प्ले करना हो फिल्म, वो आप कर दो, सब कर दो आप, फिर आप उनकी रिएक्शन इन्वाइट करिएगा, तब सर आप ये कहेंगे कि उनके जो निगेटिव एक्सपीरियंस है सालों के हैं, आप एक प्रेजेंटेशन में क्यों खत्म करना चाहते हो उसको? आप तो 100 प्रेजेंटेशन करो ना, 100 बार जाओ ना, 100 बार बात करो ना, क्या दिक्कत है? मेरी एक सुनिए सर, जो बात हम आप सोच रहे हैं ना, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है वो भी तो हमको समझना जरूरी है ना, नहीं तो हम ऐसे एयर में ही चलते रहेंगे। नहीं नहीं तो आप बताओ ना वो एस्पेक्ट। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप यहाँ से बिल्कुल नाक की सीध में 20 किलोमीटर किसी गांव में चले जाइएगा जो प्योर किसानों का गांव हो, और बैठिए बात करिए। अच्छा चलो, एक बात और भी है, आपने अपनी बात कही राइट, आपने एक वार्तालाप स्टार्ट किया कि नहीं किया, फिर जो है ना आप दोबारा संगोष्ठी करो कि आपने क्या सोचा, क्या पाया, इसमें क्या गलती है, कुछ में पा रहे हैं, हम आपको सुझाव लेना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप एक गांव चुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि यदि हम अपना आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, और देखिए हम जाएंगे तो उनको कहेंगे तुम साले पुलिस ऑफिसर, बड़े ऑफिसर चले, डीजी साहब चले, तुम्हें क्या मालूम, लेकिन ये बात आपसे नहीं कह पाएंगे वो। हेलो सर, वो सब समझते हैं, आप तो किसान के बेटे हैं भाई, बने रहो किसान के बेटे, जमीन तो उनकी है, उनको मालूम है साला जमीन हमारी जाएगी या कोई भी दस्तखत करेंगे? नहीं नहीं नहीं, जाएगी क्यों, ज्वाइंट वेंचर के तो आप जो है ना वही मालिक है ना, आप थोड़ी मालिक हैं। मोदी जी यही तो कह रहे हैं जो किसानों का है। नहीं नहीं नहीं, ये अलग चीज है, मोदी जी और इसमें बहुत फर्क है, वही तो कह रहे हैं ज्वाइंट वेंचर आप। नहीं नहीं नहीं, वो मोदी जी जो है ना कंपनियों की बात, ये अलग चीज है, वो अलग, मोदी जी को मत इसमें घुसड़िए आप, इसमें जो है ना मोदी जी की बात नहीं, मोदी जी इस मॉडल की बात नहीं कर रहे, मोदी जी कॉस्ट की बात नहीं कर रहे, मोदी जी बिकवाने की बात नहीं कर रहे, मोदी जी ना कंज्यूमर एंड पे जो है ना सीधा 1-to-1 नहीं कर रहे हैं, वो कंपनियों को बेच रहे हैं। हाँ तो वही तो, ये तो बहुत फर्क है ना, आपके फार्म को टेक ओवर कर लेंगे, वो यही तो कह रहे हैं कि आप फार्म को टेक ओवर करेंगे, आप तो अपने ही आप मालिक हैं, आप ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर हम तो सिर्फ आपके ज्वाइंट वेंचर हैं 20% के। वही तो है सर। नहीं वो नहीं है, वो नहीं है शर्मा जी, क्योंकि देखो पहले तो बेचारे के रूप में हमको बाहर निकलना पड़ेगा। मेरा रिक्वेस्ट ये है सर, थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट साथ लेके जरूर चलिएगा सर। देखो देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव्स लेना पड़ेंगे, प्रैक्टिकल की जो नेगेटिव चीजें यदि हैं तो उसके लिए आपको समाधान बनाना पड़ेंगे, उसके उसको 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 प्रैक्टिकल आते नहीं। देखिए देखिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आप लिमिटेशन नहीं मान सकते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेके उसके लिए समाधान डिजाइन करिए आप। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का मतलब है ना करने का बहाना नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, के साहब अरे बहुत इसमें तो दिक्कतें हैं, छोड़िए साहब तो ना करने का बहाना हो गया राइट, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ इसमें यह प्रॉब्लम आएगी। जैसे आपने कहा कि वो नहीं समझ में आएगा उनको, वो कहेंगे हम समझना चाहते हो तो समझने दीजिए ना, फिर ये भी समझिए कि वो किनसे समझने जा रहे हैं, उनको भी ब्रीफिंग दीजिए। और आप एक बार में क्यों करना चाहते हैं, आप 10 बार इंट्रक्शन करो ना, पीछे बार इंट्रक्शन करो ना उसको। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, आप क्यों चाहते हो कि आप जाओ और जो है ना ऋषि मुनियों तरह सब लोग लाइन लग के जो आप कहोगे उसको जो है ना वैदिक ज्ञान मान के जो है ना वो साइन कर देंगे? क्यों मान रहे हैं आप ऐसा? क्यों नहीं, क्यों मान रहे हैं आप? और आप इतना इजी गोइंग क्यों चाहते हैं उसे? आप 100 बार क्यों नहीं आना चाहते उसके पास? वो तो है, आप मेरी बात समझ रहे हो ना, आप क्या चाहते हो कि जो है ना DIG श्री राम बाबू शर्मा ने कोई बात कही और सब लोगों ने रन करके जी जी सर करके 2 मिनट में साइन कर दिए? हम इसको ऐसा कंसीव नहीं कर रहे हैं। नहीं, यदि इतना आसान होता तो जो है ना हम इतना बड़ा इंसेंटिव आपके लिए क्यों रखते? आप 100 बार जाइए ना। और दूसरी बात यह है कि यू बिकम कि वो कोई प्रैक्टिकल बात कह रहा है तो उसे हवा में नहीं उड़ाना। उसमें क्या है सर, एक्चुअली जब तक हम लोग कोई प्रैक्टिकल मॉडल उनके सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे तो उसी मॉडल की तो बात कर रहे हैं भाई साहब, उसी प्रैक्टिकल मॉडल की बात कर रहे हैं, हॉलिस्टिक मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, वेयर हाउसिंग भी होगा, ये भी होगा, सब कुछ होगा। चला ये मॉडल नहीं है तो और क्या है? वो तो है, बट फंड कहाँ से आएगा सर इसके? वो फंड आपके फंड आपसे अरेंज करने के लिए तो नहीं कर रहे ना, फिर आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? नहीं मतलब आप
चला कुछ नहीं तो जो है ना ये कहां से करोगे, हम कहीं से भी करें, हम जो है ना बैग बारो और स्टील करें। तुम मेरे जो है ना एडिशनल एसपी रहे हो, मैथिलीशरण गुप्त ने उस समय जो चाहा वो हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, वो तो है सर, देखिए वो एक अलग स्थिति है सर। नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। देखिए सर, जब आप कानून को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप किसी कुर्सी पे बैठते हैं, उस पे नियम कानून लागू होते हैं। अरे जब आप सड़क पे खड़े होते हैं तब बहुत सारे लिमिटेशंस आपके साथ होते हैं। इसमें उल्टा भी हो सकता है कि यदि आपके मॉडल में दम है, आप उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, एक बार उसको समझ में आ गया कि फायदा पहुंच रहा है तो वो लाइन लगा के ले रहा है। आज भी बताइए कि वो अमेरिकन कंपनी का जो है ना सरसों का बीज क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उसे कहीं उसको फायदा दिख रहा है। वही तो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो आपको अपनी चीज का फायदा दिखाने की स्थिति में होना चाहिए ना। वही तो सवाल। अच्छा, दूसरी बात वही तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जब अपन लेके चलेंगे। अरे तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ना तो शुरू करोगे ना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो अपने आप ही आ जाएगा क्या? आएगा जरूर। अगर अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपको अपने कान खुले रखना पड़ेंगे, आपको जो है ना रिजिड मॉडल के साथ नहीं चलना पड़ेगा। यदि किसान ने चार बातें उपयोगी बताई तो एज ए सेंसर उसको पकड़िए, उस पर मनन करके उसका जो है ना प्रैक्टिकल समाधान लेके आइए आप। सही बात। तो हमारे साथ तो फायदा वो हो रहा है ना कि हमें तो जो है ना 2 मिनट में समाधान मिलता है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना मुझे। अच्छा ये बताओ कि मैथिलीशरण गुप्त जिन्होंने हमेशा डंडा चलाया है, वो इतने कन्विंस क्यों हैं अपने मॉडल के प्रति, उनका ड्राइविंग फोर्स क्या है? नहीं नहीं, आप ये आप सोचने की कोशिश करो ना कि क्या ड्राइविंग फोर्स हो सकता है। कुछ ना कुछ होगा जरूर, तब तो हो रहा है। अदरवाइज ये बताओ आपको जो है ना, आपको एक भी कोई दुष्ट रिटायर्ड ऐसा दिखता है जो कि जो है ना जन कल्याण की बातें करता हो, वो भी इतने कोई सब अपनी पेंशन खा रहे हैं घर में पड़े। तो फिर केवल वो तो ये ऑप्शन मैथिलीशरण गुप्त के पास भी था ना? क्यों नहीं था फिर? क्यों नहीं था, बराबर था। वो तो बिरले ही आदमी है जो सोचते हैं, सोच भी रहे हैं, मॉडल भी बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं और जमीन पे भी उतारेंगे, और वो भी अपने दम पे। वो अच्छी बात है वो। नहीं नहीं, लेकिन देखिए उसमें माध्यम तो बनेंगे, पूरी चैन बनी हुई है, उसमें स्कीम ऑफ थिंग्स है। नाम तो है, ऐसे थोड़ी तो है कि कुछ ना कुछ कैरियर तो चाहिए उसके लिए। हाँ, तो वो कैरियर के लिए सिस्टम इसलिए पावरफुल रखा है। जो अपने हाइपोथेटिकल बात कही, चाहे वो उनमें से एक व्यक्ति कर पाएगा, जो एक व्यक्ति करेगा उसको 3,60,00,000 रुपए मिलेंगे ना। हाँ निश्चित रूप से, तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे। अच्छा दूसरी बात है, हम कह रहे 4 लोग अट्रैक्ट हो गए और 4 लोगों को बात समझ में आ गई, फिर आपको मेहनत करना पड़ेगी क्या? नहीं, वो तो सर एक चेन रिएक्शन है, अगर चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। नहीं नहीं चलेगी तो जो है ना उसकी क्यों नहीं चल रही है उसके कारण खोज के उनका समाधान करो, मॉडिफाई और पॉलिसी, मॉडिफाई और प्लान। हाँ वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपकी जो है ना प्लान से शादी नहीं है, आपकी ऑब्जेक्टिव से शादी है। किससे शादी है आपकी? जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। यदि आपको 4 चीजें जो देखिए, एडिसन ने बल्ब बनाया, उसके पहले 999 बार वो नहीं बना पाए, राइट? तो उन्होंने ये समझा ना कि 999 काम नहीं चलेंगे, तो उन्होंने उसको लगातार मॉडिफाई करके नया नया तरीका सोचा कि नहीं सोचा? हाँ वो तो है, लर्निंग बाय डूइंग तो है। तो वो वैसे ही करें। आपसे कौन कह रहा है कि साला आपने कहा और इसके बाद नहीं हुआ? देखो शर्मा जी, हमें अपनी वर्तमान एक्सपीरियंसेस से ही विजय पाना होगी, क्योंकि वर्तमान एक्सपीरियंस घटिया है और आपकी तो इतनी दुष्टता की गई है कि आपका तो जो है ना इतिहास डिस्टॉर्ट कर दिया गया जी। ये साले विद्वान तेल लेने गए थे जब इनके जो ना हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया। ये जो है ना, ये सब गांधी वांधी सब ये तेल लेने गए थे जब जो है ना जवाहरलाल नेहरू, जिसको एक भी वोट नहीं मिला था, उसे देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये जो है ना, जो अपने आप को जो वकील, बड़ा वकील कहते हैं और जो ना कॉन्स्टिट्यूशनल विद्वान कहते हैं, 35A संविधान में कैसे पैदा हो गया, ये तेल लेने गए थे क्या? इन्हें शर्म आना चाहिए अपने आप को विद्वान कहने में। सही बात। आप बताइए 35A हाउ इट हैज बिकम द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट इवन सीइंग पार्लियामेंट, विदाउट बीइंग डिबेटेड इन पार्लियामेंट? कोई चीज संविधान में आ सकती है बिना जो है ना डिबेट के? नकल ला के रख ली है सर, कुछ नहीं। अरे इधर उधर की नकल टीप टाप कर रख ली है सर। हम ये कह रहे हैं कि 35A
संविधान में 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने दुष्टता से बैकडोर से कैसे सम्मिलित कराया, क्या संविधान ये देश की खेती है क्या? और ये जो जो अपने आप को इतने बड़े वकील कहते हैं, इतने बड़े विद्वान कहते हैं, ये सब ताले तेल लेने गए थे क्या? अरे सर उसमें 150 आदमी थे सर संविधान सभा में, 150। अरे संविधान सभा तो गई तेल लेने, तब तो इम्प्लीमेंट हो चुका था 1950 में, तो 1954 में इंट्रोड्यूस हुआ है। आपकी जो है 26 नवंबर 1949 में आपका संविधान तैयार कर लिया गया था, राइट? और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ वो, ठीक है ना, जिसको आप गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो रूल 35A है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना, आर्टिकल 35A है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया 1954 में। तब तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई निपाली बात नहीं थी ना, तो बिना पार्लियामेंट में डाले ये संविधान का हिस्सा क्यों कैसे बन गया? ये साले आज के विद्वान इसका जवाब देंगे क्या? कुछ नहीं। इन साले दुष्टों को शर्म नहीं आती है अपने आप को विद्वान कहते हुए? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप भी उन विद्वानों में एक हैं। नहीं वो सही बात है सर, जो गलतियां हुई हैं तो हुई हैं। कितना अच्छी बात है, संविधान में कोई चीज गैर कानूनी ढंग से डाल दें उसे हम गलती कह देंगे? वाह 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 शर्मा जी, हम आपको सलूट करते हैं। इसके बाद भी किसी ने नहीं कहा कि मैं इनकी भर्त्सना करता हूँ क्या? सर अब देखिए कि आज से 70 साल पुरानी परिस्थिति में जाके आज हम उनका परिस्थितियां तो ये थी कि इन्होंने जो है एक चीफ कमांडर ऑफ आर्मी ऑफ जो है ना इंडिया, इसने एक एग्जिट प्लान बनाया था। कब बनाया था? 1946 में। क्योंकि जो है ना आर्मी में बगावत हो रही थी, इट इज ए सबमिटेड प्लान, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कभी भी जो है ना आर्मी का विद्रोह हो जाएगा जिसको जो है ना वो संभाल नहीं पाएंगे। इट वॉज डिबेटेड एंड हाउ यहाँ से जो है ना अंग्रेज भागेंगे। तो उन्होंने जो है यदि आपको 1947 तक इसे खींचा और आपको चूतिया बनाया, तो उस डर के साथ बनाया जब उनको लग रहा था कि वो यहाँ बूचर होने वाले हैं, एंड दे वेर अफ्रेड ऑफ द सुभाष चंद्र बोस। और इस दुष्ट ने जो है ना सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी के साथ सौदा किया। ये तो जो है ना डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है कि नेहरू जी ने सिग्नेचर किया कि साहब वो जो है ना सुभाष चंद्र बोस को यदि पकड़ लेंगे तो वो करेंगे, एंड ही इन्फॉर्म्ड एवरीथिंग। नहीं, इनको हम बड़े अच्छे आदमी हैं क्या, छोटी सी उनको हम गलतियां कह देते हैं? ये गलतियां हैं या दुष्टता है? वही अपन क्या कहें सर, परिस्थितियां क्या उस समय थी, कौन कितनी परिस्थितियां ये थी, नहीं परिस्थितियां ये थी उनकी ही अपने लैंग्वेज में है कि दे मेड ए एग्जिट प्लान टू रन अवे फ्रॉम दिस कंट्री। यदि जो है भारतीय सेना विद्रोह करेगी तो वो अपने आप को कैसे बचाएंगे, इसका एक एग्जिट प्लान तैयार किया गया था। आई एम फॉरगेटिंग द नेम, अभी मैं खोज खाज के वो नाम भी बता दूंगा आपको, राइट? तो वो एग्जिट प्लान बनाया गया था। ये अंग्रेजों के दिमाग में चल रहा था कि उनको कभी भी लातें पड़ सकती हैं, उन्हें भागने की स्थिति उनकी निर्मित होगी, तो उन्होंने एग्जिट प्लान बनाया हुआ था। एग्जिट प्लान कैसे भारत को छोड़ के भागेंगे हम जो है ना, बिना बिना खड़क बिना ढाल कह दिए, बल्कि हमने उनको उतने दिन राज और करने दिया। सही बात है। तो अब अच्छी परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां तो दुष्टता की है ना, परिस्थितियां तो देश को डिवाइड करने की है ना, परिस्थितियां तो जो है ना जिस जो है ना सुभाष चंद्र बोस ने 11 राष्ट्रों से जो है ना आजाद भारत को जो है रिकॉग्निशन दिलवाया था, उसको जो है ना आपने गुमनाम करने की है। इसे आप परिस्थितियां कहेंगे या दुष्टता कहेंगे? निश्चित रूप से नहीं, इसे आप परिस्थितियां कहेंगे या दुष्टता कहेंगे, क्या कहेंगे आप? आप परिस्थितियां देखिए जो है उसको भी जो है मूल्यांकन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आज की परिस्थिति में जो हम उन समय का मूल्यांकन कर रहे हैं, उन समय की परिस्थितियों का आज कोई हमारे पास चित्रांकन? अच्छा ये बताओ, ये एग्जिट प्लान उसके आर्मी चीफ आर्मी कमांडर ने बनाया था, ये उस समय से ही बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है ना, 1946 का? कोई नया थोड़ी बना होगा। तो फिर उस समय की परिस्थितियां ही है ना वो, ये जो कि आपसे छुपाई गई है कि ये जो तत्कालीन उस समय की लीडरशिप थी, वो उस समय की जो लीडरशिप थी वो दुष्टों की थी। क्या परेशानी? नहीं, कोई परेशानियां नहीं थी उसको, कोई परेशानियां नहीं थी।
जीरो वोट मिलने के बावजूद भी देश का प्रधानमंत्री बनना था, ये परेशानी थी। नहीं नहीं, मुझे बताओ इसमें क्या परेशानी है? नहीं तो ये बताओ मुझे, यदि आपको वोट नहीं मिले थे तो आपको देश का प्रधानमंत्री बनना आपकी परेशानी है? नहीं, मेरा रिक्वेस्ट ये है सर, हाँ, कि जैसे महात्मा गांधी को तो सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, आप उस बात को छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ आप मुझे ये बताइए कि यदि यदि महात्मा गांधी को ये लग रहा था कि जो है ना ये दुष्ट अपने आप को इसको प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो ये कांग्रेस को डिवाइड कर देगा, तो ये कितना महादुष्ट था। अब यही और, दूसरी बात ये है, और नहीं दूसरी बात जैसे मैंने दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ ये इन्होंने नहीं कराया है। जो अंग्रेज उस समय एग्जिट प्लान के साथ बैठे हुए थे कि मुझे कभी भी लातें पड़ सकती हैं या कभी भी विद्रोह हो सकता है, वो परिस्थितियां इन्होंने छिपाई हैं। इन्होंने जो है ना, गांधी जी ने कहा कि हम कोई जो है ना आंदोलन नहीं करेंगे, लंबे समय तक कोई आंदोलन नहीं किया। जब जब वहां पे जो है ना सुभाष चंद्र बोस का जो है ना लोगों का वो होने लगा और उसके कारण एक विद्रोह की स्थिति बनी, तब इन्होंने जो है आंदोलन किए। इसके पहले तो चुपचाप बैठ गए थे लोग। तो ये सब चीजें आपसे छिपा ली गई ना, ये इसमें इसको आपको तो गर्मी भी नहीं आएगी क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं है। आपके बच्चे तो जो है ना, आपने भी गलत इतिहास पढ़ा, हमने भी गलत इतिहास पढ़ा, हमारे बच्चे भी गलत इतिहास पढ़ रहे हैं। लेकिन अब मेरा रिक्वेस्ट ये है कि उन परिस्थितियों का ये हमें देश का प्रधानमंत्री बनना है, ये परिस्थिति है क्या? नहीं, मेरी रिक्वेस्ट सुनिए सर, आज नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अदरवाइज यदि सरदार पटेल को 12 जो है ना वोट मिले थे, कृपलानी को 2 वोट मिले थे, तो 12 वोट वाले व्यक्ति को जो है ना देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था? इस दुष्ट की जो है ना पर्सनल महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी थी कि इसने देश को जो है ना डिवाइड करना स्वीकार किया, इसने क्योंकि इसे प्रधानमंत्री किसी भी तरीके से बनना चाहिए। देखिए क्या सर, उस समय दंगे मंगे शुरू हो गए थे कश्मीर मश्मीर में, परिस्थितियां क्या थी सर? दंगे जो है सर, यार जो है ऐसी थी, ये दंगे हो गए थे और आपके आदमी ने जाके जो है ना उसे कंट्रोल में कर लिया था और वो जीत गई थी। फिर इसको जो है, और ऑलरेडी राजा हरि सिंह ने एक्सेशन साइन कर दिया था, फिर इस दुष्ट को जो है ना आकाशवाणी में जाके अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत पड़ी? इसने यूनाइटेड नेशंस में ये मामला जो है ना वो निपटाएंगे क्यों कहा? जब जब हरि सिंह ने ऑलरेडी एक्सेशन साइन कर दिया था, इसके बाद ही आर्मी वहां पहुंची थी। है? वो तो उसकी बात, उसको छोड़ दीजिए ना 2 मिनट के लिए। जब उसने जो है अटैक हो गया, जब आपकी आर्मी गई, उस समय तो आपके पास एक्सेप्शन साइन हो चुका था ना, कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तब वो सरेंडर हुआ साला। हाँ, सरेंडर हो गया था ना, जिस समय आप जो है ना आकाशवाणी में जाके आपने अनाउंस किया कि हम यूनाइटेड नेशंस का ये करेंगे, वो करेंगे, प्लेबिसाइट करेंगे, ये साला किससे डिस्कस करके किया था? इसने किसने इसको पावर दे दिया था? इसको क्या इसने जो है ना कैबिनेट बुलाई थी क्या? क्या इसने पार्लियामेंट में डिस्कस किया था क्या? साले इसको क्या तेल लगा था इसने? जब आपके पास, ये बात तो मान रहे हैं ना कि आपकी आर्मी के पहुंचने के रवाना होने के पहले हरि सिंह का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट आपके हाथ में था? था कि नहीं था? हाँ या नहीं? ना था सर। तो फिर आपने क्यों कहा प्लेबिसाइट वाली बात? मैं वही तो कह रहा हूँ सर कि उन परिस्थितियों का वो साला परिस्थिति बन गई साली। हम चुतियापा कर रहे हैं, आकाशवाणी में जा रहे हैं और चुतियापा कर रहे हैं, हरि सिंह का साइन है, उसको परिस्थिति कह रहे हैं आप? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब वो उस चीज को पीछे घसेटने से रिमेम्बर से काम नहीं चलेगा। हमें वही तो हम कह रहे हैं कि दुष्टवादी लोग जो है ना अपनी दुष्टता को करते रहते हैं और हम उसे जस्टिफाई करते रहते हैं। आप मुझे मेरी रिक्वेस्ट सुनिए सर। हाँ, आपका इतना अच्छा एक्सीलेंट करियर रहा है, इन स्पाइट ऑफ दैट, क्योंकि आपको डीजीपी का पदभार नहीं दिया, तो वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि इन दुष्टों के चरित्र इतने छोटे हैं, उन्हें मालूम था कि मैसन गुप्त को वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, तो ये जो ये तो आज की भोगी हुई परिस्थिति है सर, आज कोई भोगी हुई परिस्थिति नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ उसी कारण से उसने मुझ में वो जज्बा पैदा किया जो मैं आज कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, यदि मालूम मुझे डीजीपी का जो है ना वो दे देते तो शायद मैं भी वैसे ही साला उनका जो है ना पिट्टू बन जाता। नहीं, अब मुझे एक बात बता दीजिए, आपके बेटे जोहरी साहब है, रिटायरमेंट की एज है, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके 2 साल चल रहे हैं।
नहीं तो अच्छी बात है, तो स्टेबिलिटी की जांच पहली बार नहीं सुप्रीम कोर्ट का तो है ही ना, वो क्या दिक्कत है उसमें, स्टेबिलिटी होना चाहिए ना, लेकिन क्या प्रॉब्लम है उसमें? ऑल राइट, बट मेरा रिक्वेस्ट ये है सर आपको कि ये तो पहली बार हुआ है ना मध्य प्रदेश में, तो पहली बार इसलिए हुआ क्योंकि इसके बाद जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया ना इसके बारे में दोबारा तीसरा जजमेंट जो दिया, क्या क्या इसमें इनके रिटायरमेंट के बाद क्या कोई कॉम्पिटेंट ऑफिसर नहीं बचे थे क्या? जब जब आप नियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन आपका जो है फालतू का नहीं है क्या? नहीं नहीं ये तो क्वेश्चन ही बेकार है आपका। आप मेरी बात समझ लीजिए, प्रकाश सिंह की याचिका में क्या था कि पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए एडिशनल डीजी की कमेटी बनेगी, बोर्ड बनेगा, वो रिकमेंड करेगा, उसका कोई पालन हो रहा है क्या? पालन हो रहा है? मैं तो एडिशनल डीजी एडम खुद था और उसका सत्य से पालन हुआ और उसमें जो है बहुत सारे लोगों की बातें नहीं चली है। मिनिस्टर फेंक देता है सर लिस्ट को, वो कहता है ये नाम जोड़ के ले आइए आप, और फिर सब वो बोर्ड उस पर दस्तखत कर देता है सर, परिस्थितियां ये हैं। ये बात पूर्णतया सत्य नहीं है, मैं आपको बताऊं, एक आर्ट्स इंस्पेक्टर का जो है ट्रांसफर वाला केस था, ओएसडी टू द सीएम पर्सनली केम एंड ही सेड कि सर जो है ना ये आर्ट्स जो है ना ट्रांसफर चाह रहे हैं सीएम, एंड आई सेड कि देखो इनका ये फाइल हमारे टेबल पे पड़ी हुई है और इनका ये रिकॉर्ड है, हम चाहते हैं कि आप जाके सीएम साहब को दिखा दीजिए। ही पॉइंट ब्लैंकेटली सेड कि सर ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैंने कहा कि तुम मेरा अपॉइंटमेंट करा दीजिए, तो बोले ठीक है आप कल 11 बजे आ जाइए। आई वेंट एंड आई डिस्कस विद मिस्टर शिवराज सिंह, एंड शिवराज सिंह ने आंख उठाते भी मुझे नहीं देखा, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे रहने दीजिए, यदि आपको लगता है कि इतने खराब है। मैंने कहा नहीं है, आठ में से दो लोग तो फिर भी चल जाएंगे, तो बोले ठीक है आप दो का कर दीजिए। आई शुड द टू ऑर्डर ऑफ द टू नॉट ऑफ सिक्स, तो मैं कह रहा हूँ सर कि क्या है शिवराज सिंह से मेरा सामना हुआ, यदि आप नहीं करना चाहते तो आपकी चॉइस है ना। मेरा वही कहना है सर की परिस्थितियां बदल गई है यार, मैं अब इन्हीं परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ, इन्हीं शिवराज सिंह की बात कर रहा हूँ। नहीं वो ठीक है सर, बात मैं आपकी मान रहा हूँ, लेकिन तो आपने बदल दी ना फिर। प्रैक्टिकल क्या हो रहा है सर ये तो देख, मैं तो आपके तो जैसे प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ क्या? एम आई टॉकिंग समथिंग इमेजिनरी? आप मेरी बात समझ लीजिए कि कितने लोग हैं ऐसे यार, आपको जो है चलो एक है तो एक से विश्वास करो ना, क्या दिक्कत है, आगे बढ़ो ना। सर कोई आज अपन देख रहे हैं जी सर नो सर के अलावा कुछ नहीं। अरे उसको छोड़ो ना, अपन जो है ना सिस्टम ऐसे बना दें कि जी सर एसर वाले की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि हमारा सीएफपी जो है ना क्राइम फ्री भारत एक बार इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये सब जो है ना एसर नो सर की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। चलिए सर प्रयास अच्छा है करे, देखो जब तक आप पूरी तरह से कन्विंस होके फुल एनर्जी से नहीं लगेंगे तो आपकी नेगेटिव एक्सपीरियंस जो है ना हमेशा, मैं चलिए आपकी गुनाह की बात बताता हूँ ठीक है ना। एक पत्रकार ने मुझसे बड़ा कड़वा क्वेश्चन पूछा, पहली पत्रकार वार्ता थी वो, राइट। उसने कहा कि एसपी साहब जब भी कोई नया एसपी आता है तो उठापटक होती है, बहुत दिनों से उठापटक चल रही है, आपकी उठापटक ये कब बंद हो रही है? कितना कड़वा क्वेश्चन पूछा उसने, ठीक है ना। तो मैंने कहा ये बताइए आप मंथन जी, ये बात आपकी जो है ना बहुत अनुभव के बाद आपने जो है ना पूछी है ना, तो आप अपने अनुभव को बातों से क्यों बदलना चाहते हैं, ठीक है ना। आप अपने अनुभव को अनुभव से बदलना, ठीक है ना। अब इसके बाद आई वही हो गई है, आई जैसा आपको मालूम है बड़ा लंबा टर्नओवर था गुना का, तो जब लास्ट पॉलिटिकल वार्ता जो है ना पत्रकार वार्ता हो रही थी तो उसी पत्रकार महोदय ने कहा कि सर आपको याद है मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, आपने ये जवाब दिया था, आपके टेनोर के दौरान तो सब कुछ जैसा था वैसे ही चला, ठीक है ना, अब आपके जाने के बाद क्या होगा? तो मैंने कहा कि मंथन जी आप हमेशा उल्टे क्वेश्चन पूछते हैं क्या भाई, मेरे जाने के बाद मेरी जिम्मेवारी है क्या? सही बात है, जो आएगा वो देखेगा, हाँ उसका काम है। तो मेरा ये कहना है कि वी हैव टू चेंज दिस वर्ल्ड बाय अवर ओन एक्शन, और इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम ज्ञान और अवेयरनेस नहीं बांटेंगे, क्योंकि ज्ञान और अवेयरनेस तो जो है ना आपके नेगेटिव एक्सपीरियंस भरे पड़े हुए हैं। हाँ वो तो है ही है, तो हम आपको मॉडल दें ना, आप हमारे मॉडल में कोई कमी हो तो बताएं कि साहब इसमें ये कमी है, हम उसको और मॉडिफाई कर लेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ सही है, आगे भी कोई चीज समझ में आएगी तो भी मॉडिफाई कर लेंगे,
हमारी शादी उस मॉडल के साथ थोड़ी है, हमारी शादी तो जो है ना ऑब्जेक्टिव के साथ है कि हमें किसान को पार्ट बनाना है, जो भी हम चेंज चाहते हैं चेंज चाहते हैं उसमें जो बाधा आएगी उसको हटाएंगे नहीं, और अब और चेंज का जो है ना सूत्रधार भी खुद बनना चाहते हैं, समाधान भी खुद बनना चाहते हैं, सही है, और वो भी खुद की दम पे। जी सर, चलिए शर्मा जी लंबी बात हो गई, एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। हम लोग बैठ के जो है ना इसमें लंबी बात करेंगे करेंगे सर राइट राइट थैंक यू जय हिंद जय भारत सर।